हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू ए इलेक्ट्रॉनिक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 180 वाट एम्पलीफायर सर्किट बताऊंगा, जिसमें चार 2L3770 यूज़ होंगे। ये आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, 3770। तो इस तरह के चार ट्रांजिस्टर आप यूज़ करेंगे और उसी से ये सर्किट बनेगा। सर्किट बहुत ही सिंपल है और बहुत ही पावरफुल है। अगर आपको हैवी ड्यूटी हैवी पावरफुल एम्पलीफायर चाहिए तो ये आपके लिए बिल्कुल सूटेबल है। दूसरा, बहुत इजी है बनाना, इसमें बहुत कम कंपोनेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फ्रेंड्स एक 741 आईसी का यूज़ होगा, वो यहाँ दिख रही होगी आपको। ये भी इजीली मार्केट में मिल जाती है। ये 10 माइक्रो फेरड का हम कैपेसिटर लेंगे 50 वोल्ट में। उसके बाद में ये रेजिस्टेंस 10K की हम लेंगे और ये फ्रेंड्स 47K की एक रेजिस्टेंस लेंगे। उसके बाद में 2.7K और ये 47 माइक्रो फेरड से ग्राउंड है। 47 माइक्रो फेरड 50 वोल्ट, ये 47 माइक्रो फेरड 50 वोल्ट से ग्राउंड है। अब ये अरेंजमेंट फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे, ये अरेंजमेंट, तो ये अरेंजमेंट इस आईसी के लिए बनाया गया है। ये 15 वोल्ट का जीनर है, 2.2K की रेजिस्टेंस है ये फ्रेंड्स, 2.2K और ये रेजिस्टेंस है 390 ओम 1 वाट, 390 ओम 1 वाट। इसी तरह ये है 390 ओम 1 वाट, उसी तरह ये है 2.2K 1 वाट। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी 1 वाट, ये 15 वोल्ट का जीनर है और ये भी 2.2K। फ्रेंड्स, ये दोनों ट्रांजिस्टर है, ये BD139, ये BD139 139 और ये BD140। ठीक है फ्रेंड्स, ये आईसी है 741 आईसी है, ये देख रहे होंगे आप। उसके बाद में ये फीडबैक है फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे 47K और ये 47 PF। ठीक है फ्रेंड्स, ये बेस रेजिस्टेंस है 120 ओम 1/2 वाट, इसी तरह ये 120 ओम 1/2 वाट। ये फ्रेंड ट्रांजिस्टर है, DIP42, काफ़ी नामी ट्रांजिस्टर है, मिल जाता है। और ये है TIP41, ये PNP है, ये NPN है। ये रेजिस्टेंस 47 ओम और ये PF है 4N7। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में ये एक रेजिस्टेंस 120 ओम 2 वाट। ये फ्रेंड्स TIP41 और TIP42, ये आपको हीट सिंक पे लगाने पड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ मैं भूल रहा हूँ, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हम लगाएंगे और ये भी होगा, ये 120 ओम है फ्रेंड्स और ये भी 120 ओम 2 वाट, 120 ओम 2 वाट, ये भी 120 ओम 2 वाट। फ्रेंड्स, ये दोनों ट्रांजिस्टर आपको इसी हीट सिंक पे या अलग से आप छोटी वाली हीट सिंक लगाएंगे उस पर लगाएंगे, क्योंकि ये भी ट्रांजिस्टर काफ़ी गर्म होते हैं, क्योंकि इन दोनों ट्रांजिस्टरों को ये ड्राइव दे रहे हैं। ये देख रहे होंगे यहाँ से डायरेक्ट बेस जुड़े हुए हैं। अब ये हम लेंगे 10 ओम 1 वाट, 10 ओम 1 वाट, इसी तरह ये 10 ओम 1 वाट, 10 ओम 1 वाट। फ्रेंड्स, ये आप कलेक्टर पे देख रहे होंगे, यहाँ ये ऑप्शनल है,
अगर आप ये रेजिस्टेंस लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ट्रांजिस्टर के लिए सेफ है, थोड़ा ट्रांजिस्टर कम हीट होगा। लेकिन नहीं लगाना चाहें तो कलेक्टर वाले रेजिस्टेंस को आप अवॉइड कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस है फ्रेंड 0.105 वाट। पॉइंट थ्री ओम ये लगाना जरूरी है जो एमीटर पे है। 0.3 ओम 5 वाट। तो इसी तरह ये है 0.1 ओम 5 वाट। लेकिन ये लगाना जरूरी है 0.3 ओम 5 वाट। 0.3 ओम 5 वाट। इसी तरह ये एक ऑसिलेशन हो जाता है जनरेट उसको फिल्टर करने के लिए 10 ओम 2 वाट। और ये 0.1 माइक्रो फेरड 250 वोल्ट। ये फ्रेंड स्पीकर है, इसमें डोल सप्लाई का यूज़ होगा। इसको फ्रेंड मैक्सिमम 40 वोल्ट तक चला सकते हैं। और ये फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे डोल सप्लाई का इसमें यूज़ हो रहा है, माइनस प्लस और ग्राउंड, ये आप ग्राउंड देख रहे होंगे फ्रेंड्स। इतना ही सर्किट है और काफ़ी इजी सर्किट है, इसमें ज़्यादा तामझाम कुछ है नहीं। तो फ्रेंड्स इसको आप बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए ये सर्किट आपको कैसा लगा। ये ऑप्शनल है जो मैंने बताए हैं, 0.1 ओम 5 वाट कलेक्टर पे जो लगे हुए हैं, 0.1 ओम 5 वाट। तो इनको आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, चाहे तो लगाते हैं। लेकिन ये जो है मीटर वाले रेजिस्टेंस है, इनको आपको मस्ट लगाना है वरना ट्रांजिस्टर ओवरहीट होंगे। दूसरा मैं फिर वही कहूँगा, ये आप हीट सिंक देख रहे होंगे फ्रेंड, ये इस तरह की आपको अगर बहुत अच्छा प्रोफेशनल आउटपुट आपको लेनी है और बहुत अच्छी क्वालिटी चाहिए तो आपको हीट सिंक अच्छी लगानी ही पड़ेगी। ये इस तरह की हीट सिंक ये आहूजा एम्पलीफायर्स में और इस तरह के प्रोफेशनल एम्पलीफायर में यूज़ होती है। तो एक हीट सिंक यहाँ लग जाती है, इसी तरह ये 4 हीट सिंक 6 हीट सिंक का जो लंबी वाली वो भी आती है। तो ये आप देख रहे होंगे कितनी हैवी हीट सिंक है। तो इस तरह की हीट सिंक लगाएंगे फ्रेंड, सीधा सा फंडा है, ये ट्रांजिस्टर जितने कूल रहेंगे उतनी ही आपको हैवी और दमदार आउटपुट मिलेगी। ये ट्रांजिस्टर जितने गर्म होंगे उतनी ही आउटपुट जो ट्रांजिस्टर की करंट डिलीवर कैपेसिटी है वो घटती जाती है इसके हीट होने से। तो इसलिए इसको जितना ठंडा रखेंगे उतनी ही आउटपुट अच्छी देगी। तो फ्रेंड्स ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।